बहुत अच्छा था. ऋषभ रज, दे हैव डन अ वेरी वेरी ग्रेट वर्क. द VFX, द स्टोरी लाइन, इमोशनल कंटेंट, एक्शन, इट वॉज ऑल जैम पैक एट वंस. इट वॉज प्रीटी बिग मूवी, प्रीटी ह्यूमंगस मूवी. बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बनाया था. गुड कैरेक्टर्स, पुराने नए सब लोग जो भी थे, एंड वी लाफ्ड अ लॉट. बहुत लोग रो भी रहे थे. दैट वॉज गुड. फिल्म तो सुपर्ब थी. थोड़ा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ, बट स्टिल अ गुड मूवी. सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लाइक यू गेट इन दी लाफ रायट क्राई, एंड ऑल्सो यू गेट इन दी एक्शन डन. सो ऑल दैट काइंड ऑफ मसाला स्टफ यू वुड बी गेटिंग इन दिस मूवी, एंड इट्स प्रीटी एंजॉयबल मूवी. यू विल बी एंजॉयिंग दैट. दी मोस्ट एपिक 2019 इज एवर गोना सी, एंड इट्स दी लाइक द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द मार्वल सीरीज फिल्म्स येट. फिल्म बहुत अच्छी है और सबको देखना चाहिए, अपने ग्रुप के साथ आके कंपलसरी देखना चाहिए. बेस्ट है, नहीं बोलूँगा अभी, स्पॉइलर हो जाएगा. फिल्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया है फिल्म को, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो सस्पेंस है जो रहेगा एट दी टिल दी एंड, वो मेंटेन रखा है. इवन आफ्टर द सेव द वर्ल्ड थिंग, दे हैव गिवन अ बिट ऑफ यू नो ह्यूमैनिटी ऑल ओवर. दैट्स वॉट इट इज़, यू नो, लाइक एट द एंड ऑफ द सुपर हीरो थिंग, इट्स ऑल दैट वी आर सुपर ह्यूमन फ्रॉम इनसाइड, एंड वी शुड ऑल बी लाइक एनीबॉडी कैन बी. सो वो बहुत ही अच्छा मैसेज डिलीवर किया है इन द एंड, और थोड़ा इमोशनल सीन भी हैं बिकॉज कुछ एवेंजर्स नहीं रहते हैं हमारे बीच में, वो मे बी बात के पार्ट में ऐसा कुछ दिखाएं, बिकॉज फैन फॉलोइंग तो उनकी कभी जाने वाली है नहीं, वो मर के भी जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में. तो इसीलिए हम लोग ने इतने प्यार से वेट किया है इस मूवी का, एंड आई थिंक मार्वल ऑडियंस वो हर शॉट में हंस रहे थे, हर शॉट में हूट कर रहे हैं. तो आई थिंक वो बहुत ही क्यूरियोसिटी है. या इट वॉज मोर देन वर्थ. ओ, इट वॉज अ लवली फिल्म, यू नो. इन फैक्ट कुडंट हैव बीन अ बेटर एंडिंग एक्चुअली, यू नो. बच्चों कैसे लगी? यू नो, आपके टी-शर्ट्स पर भी सब एवेंजर्स, कितने बड़े फैन हैं आप एवेंजर्स. और कैसी लगी फिल्म? बहुत ऑसम है, बहुत ही अच्छा लगा. आई हैव नेवर सीन लाइक दिस मूवी एवर इन माय लाइफ. ओके, बहुत ही अच्छा है. इट वाज वर्थ द हाइप. Brutal actually. VFX is superb. They already have that in place. So उसमें कोई मतलब दो राय नहीं कि VFX अच्छा नहीं होगा. So Avenger definitely VFX is there. But VFX के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आपको देखने के लिए मिली. VFX बहुत ही बढ़िया थे, मतलब अभी तक ऐसा VFX बहुत कम देखना मिला है. So it was the best of all. VFX दिल चू के गई है. तो I really love VFX. Avengers के VFX के बारे में क्या बात करेंगे, अच्छा ही है, बढ़िया, सब बढ़िया. ग्रेट ग्रेट VFX. VFX बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पिछले सारे पार्ट्स को तोड़ करके, सारी मूवीज़ को तोड़ करके आई थिंक इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा VFX यूज़ किया गया है, एंड इसमें बहुत टाइम लिया गया है, एंड एक साल का टाइम हॉलीवुड ने दिखा दिया लाइक. एंड VFX इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग 3 hours. इट्स लाइक बहुत ही अच्छा था दिखने में भी. Whatever it is, it's very cool. Not so good. Marvel movie, it's what Marvel, do you expect? Marvel movie, yeah. VFX all. Okay, so since it's an end game, so how much emotional was it for you? Emotional? Pretty much. I never cry when I watch movie. But this time I literally cried 2 times. So you can imagine what kind of emotional content they put in. So people would definitely cry. There are a couple of scenes where people would cry. And that is there, pretty much there. It was amazing. I think everybody in my line cried in the particular instances. So, सभी लोग रोए. मेरे friends जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग भी रोए. So, it was beautiful. Emotionally, सच बोलूँ तो मैं और मेरे दोस्त लोग रोने लग गए क्लाइमैक्स पर. वो आप ज़रूर देखिएगा और मे बी यू विल फील दैट इमोशन. इमोशनली है बट बता देंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सस्पेंस. वेरी इमोशनल. इमोशनली बहुत टच किया. आई थिंक आई विल ओनली क्राइड लाइक 3 times. बाकियों का नहीं पता. तो मतलब मूवी में बहुत कनेक्टिविटी थी और इमोशनल सीन्स इतने ज़्यादा टर्नआउट हुए. आई थिंक 98% हैज़ बीन रेटेड बाई रॉटन टोमेटोज. दे हैवन बीन गिविंग एनी ऑफ दिस टाइप ऑफ परसेंटेज टू एनी मूवीज लाइक इन लास्ट 10 years, एंड लास्ट 10 years ऑफ माई चाइल्डहुड हैज़ बीन टेकन बाई मार्वल्स. सो एज अ गिफ्ट आई गॉट इट बैक फ्रॉम दिस मूवी. इमोशनल, द एंडिंग पार्ट इज सो इमोशनल. अरे यार, रोने का मन कर रहा था बट आई कुडंट एबल टू क्राई बिकॉज मुझे देखना था, मैं रोती ही रहती थी. बहुत अच्छा था, इमोशनल सही था. लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत इतना रोना आया, टिश्यू कम पड़ गया. बहुत
जब आयरन मैन मरा तभी तो Besides this, you know, end game. It's the last part I can say. So, yes. Are you going to miss it? I think everybody will miss it. The movie is also made like that. Ki everybody will miss it at once. Okay. But what expect for Peter Parker to be back? That's all. So the end game is all. It's gone. Definitely, end game hai. खास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्शन सीक्वेंस, लाफ, क्राई, बहुत सारी चीज़ें. मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जाके देखें. है बाइंडिंग है, थोड़ा स्लो रहेगा, बट ओवर द टाइम उन लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों स्लो है और उन्होंने ऐसा क्यों पोर्ट्रे किया हुआ है. तो आई वुड रिकमेंड पीपल टू कम एंड वॉच दिस पर्टिकुलर मूवी फॉर द इमोशनल कॉन्टेंट एंड द लेगेसी द एवेंजर हैज सेट. सो कम इन फॉर दैट एंड वॉच एंड एन्जॉय दैट मूवी. Definitely it's a end game, end of the story and you'd be enjoying that. नहीं बोल सकता, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें. मैं भी बोल रहा था आई रियली लाइक रॉकेट अ लॉट ऑफ भैया. इट वुड बी वेरी अनफेयर एंड जस्टिस. ओ वेरी नाइस. यू नो इन फैक्ट आई वुडंट वांट टू गिव अवे द क्लाइमैक्स बट द फिल्म हैज बीन प्रॉब्ली द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक. यस. एंड व्हाट अबाउट योर फेवरेट सुपरहीरो? कैप्टन अमेरिका. आई डिडंट स्पॉइल यू फॉर यू गाइस बट यू शुड वॉच इट फॉर योरसेल्फ. बहुत सारे लोग हैं. आई वुडंट बी अ स्पॉइलर ओवर. आई वुडंट वांट टू गिव एनीथिंग बट आई लाइक रॉकेट अ लॉट. इन दिस मूवी इट्स कैप्टन अमेरिका. वो बिल्डअप जो उन्होंने किया है एंड एक सीन है वो मैं यहाँ पे भी स्पॉइलर थ्रो नहीं करूँगा बट गो एंड वॉच दिस मूवी फॉर कैप्टन अमेरिका. कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, ऑल ऑफ देम लाइक कैप्टन अमेरिका और थॉर. थॉर का एंट्री देख के आया शॉक कि थॉर ऐसे भी दिख सकता है. तो मेरा फेवरेट है आयरन मैन लेकिन पावरफुल तो थॉर ही है. आयरन मैन थॉर. थॉर या फाइट में से कितना स्टार देना चाहेंगे? एंड गेम आई डोंट गिव एनी स्टार्स. नो इट्स पीपल शुड वॉच. आई व्हाई वुड आई इन्फ्लुएंस अदर्स. जस्ट गो वॉच द मूवी एंड रेड इट फॉर योरसेल्फ. 4 वॉच योर. थैंक यू. 6 4.5 5 डेफिनेटली 5 8 6 5 out of 5 5 out of 5 9 It was like emotional roller coaster, so I would love to 5 out of 5. There's no more stars to give. I don't know like how many stars I have to give. I give everything to it. It was an emotional roller coaster. 4 5 and 5 overrated. It's 11.5 actually. 10 15 5 out of 5. Excellent movie. Oh my god. Ah, three. Ah, dheere short break. Guys, ye baat hai aap logo mein.